हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एमपी करंट अफेयर्स। तो जितना देखना था हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं, 100 क्वेश्चन के करीब हैं, वस्तुनिष्ठ, एमपी से संबंधित हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक। मध्य प्रदेश के किस शहर में नमकीन एवं मिष्ठान क्लस्टर की स्थापना की जा रही है? तो आपको याद रखना है इंदौर, ठीक, सॉरी जबलपुर। क्या रखना है आपको? यार जबलपुर रहे। आगे बात करते हैं, प्रकृति एवं जैव विविधता के साथ जीवंत संवाद के लिए प्राकृतिक शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता 2020 कहाँ आयोजित की गई? इंदौर में। कहाँ की गई? इंदौर में। चौथा क्वेश्चन है, राज्य में मिजल्स रोबेला टीकाकरण अभियान कब से संचालित है? 15 जनवरी 2019 से। याद रखिए 15 जनवरी 2019 से। अगला पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुभूति कैंप किस विभाग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वन विभाग से संबंधित। किससे? वन विभाग से संबंधित। अगला छठवा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगरौली। बी ऑप्शन है, आपको याद रखना है बी ऑप्शन। फिर है सात, सातवां क्वेश्चन, प्रस्तावित 8 लाइन की नर्मदा एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ेगा? तो आपको याद रखना है अमरकंटक से अलीराजपुर। फिर आगे, राज्य में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल। बी ऑप्शन सही है। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस जिले को रूटीन टीकाकरण में उत्कृष्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए प्रशंसा पत्र जारी किया है? तो याद रखना डी ऑप्शन टीकमगढ़। हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना 4, सी ऑप्शन है। जनवरी 2019 में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? तो स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन सही है। लेटर विंड में सेंसर लगाने वाला देश का प्रथम शहर कौन सा बन गया? याद रखिए इंदौर। 14वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मान का आयोजन किया गया, नीचे दिए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व हास दिवस का अवसर पर सम्मान दिया गया, ये सही है। विश्व हास दिवस 11 जनवरी 2019 को आयोजित हुआ, यह सम्मान श्री कपिल शर्मा को दिया गया, ये सही है। डी ऑप्शन गलत है इसमें, इस सम्मान को से डॉक्टर योगेश दुबे को सम्मानित किया गया, ये गलत है डी ऑप्शन। ठीक। 15वां, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया? पालनपुर कुनो अभयारण्य। बी ऑप्शन है 15वां। 16, गायों के लिए शमशान घाट किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश में। अगला 17 है, हाल ही में 62वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला टैप स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना है वर्षा बर्मन। 18, निम्नलिखित में से किस ने देवास जिले में 52 एकड़ में निर्मित अवंती मेगा फूड पार्क का आरंभ किया है? तो हरसिमरत कौर बादल। डी ऑप्शन है। 19वां, हाल ही में मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार झा को। ए ऑप्शन है, ठीक है 19 का। 20, कंपोस्ट और बायो मेथाइलेशन के लिए प्रदूषण कम करने वाला एशिया का प्रथम शहर कौन है? इंदौर। बी ऑप्शन सही। विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित में से कहाँ जल प्रदाय योजना प्रस्तावित नहीं है? सतना में नहीं है, बुरहानपुर में, मुरैना में, खरगोन में। याद रख, सतना में नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस नगर निगम द्वारा हर घर को यूनिक आईडी वाला डिजिटल और नंबर दिया गया? तो इंदौर को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सरसों की एक नई किस्म RBVMC तैयार की है? तो याद रखना राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने।
अगले है 24वां समग्र मैपिंग व प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? उमरिया। 25वां है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, सी ऑप्शन है। 26वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? तो श्री अरविंद कुमार शुक्ला। हाल ही में जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी तोप भारतीय सेना में शामिल की है? याद रखना है धनुष तोप। प्रसिद्ध हास्य कवि प्रदीप चौबे का हाल ही में निधन हो गया, वे कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना ग्वालियर। मध्य प्रदेश लाड़ो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सीता विश्वकर्मा। अगला 30वां, ग्वालियर रत्न अलंकरण 2019 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शेराली रोनवाल को। अगला है 31वां, घुड़सवारी वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग कैटेगरी के एशिया में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया? तो एक पेड़ खरी, सी ऑप्शन है। 32वां, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के प्रथम बाल हितैषी न्यायालय 11 जून 2019 को लोकार्पण हुआ है? तो आपको याद रखना है उज्जैन। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव होता है? खजुराहो। देश का प्रथम बायोमास गैस फायर संयंत्र कहाँ है स्थित है? बैतूल। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? भेड़ाघाट सांची है, खजुराहो है सांची है, और भीमबेटका है, भेड़ाघाट नहीं है। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के किस स्थान को सर्वप्रथम शामिल किया गया? खजुराहो। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम साड़ी का पेटेंट कराया गया वह कौन सी साड़ी है? चंदेरी की साड़ी। भोपाल गैस त्रासदी से उबारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन फेथ। भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? एनके सिंह आयोग। मध्य प्रदेश के किस जिले का गांव देश का प्रथम सोलर विलेज बन गया? बैतूल। 41, देश का प्रथम मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया? खरगोन। मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है गेहूं का भंडार। 43वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019-20 को किस व्यक्ति की स्मृति में युवा संकल्प वर्ष घोषित किया गया? राजीव गांधी। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का प्रथम जेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा जिसमें सेंट्रल जेल, जिला जेल सहित अन्य कई जेलें शामिल होंगी? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में वन विभाग ने कितने नए अभयारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा? 12। देश की प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक का निर्माण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? भोपाल में किया जाएगा। धार जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडवगढ़ में मांडू डूजियर एवं कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र सिंह बघेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से आपकी सरकार आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया? देवास। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदारी करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ई उपार्जन ऐप। 50वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास में हुई फर्जी रजिस्ट्री घोटाले की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? एनजी नागराज आयोग। 51वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब किस जिले में स्थापित है की जा रही? इंदौर में। देश का प्रथम टाइम बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के समूह ऋण को किस दिन से समाप्त कर दिया? 15 अगस्त 2019 से। निम्न में से किस जिले में मसाला पार्क स्थित है? छिंदवाड़ा। नूर जहाँ एक प्रसिद्ध प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है आम की। 14 से 16 नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ वह टेस्ट मैच मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में हुआ? तो याद रखना है होलकर स्टेडियम में, इंदौर में। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जस्टिस अजय कुमार मित्तल। देश का प्रथम हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया? नीमच में। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में देश का प्रथम सेव भोज पैलेस स्थापित किया गया होगा? तो महाकाल मंदिर उज्जैन। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट, सी ऑप्शन है। इंदौर के क्रिस्टल आईटी पार्क परिसर में दूसरा आईटी पार्क अतुल का शुभारंभ कब किया गया?
1 मार्च 2019 को। वह कौन सा राज्य है जहां यात्रियों के लिए हवाई मंत्रियों के लिए हवाई जहाज सेवा के लिए शासन की ओर से दी जाने वाली राशि हाल ही में बंद कर दी गई? तो याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वह शहर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विभाग दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति हुई। ग्वालियर। फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नेमावर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। राज्य में खाद्य अनुसंधान केंद्र अमलाहा 7वीं रैंक मिली है। राज्य में खाद्य अनुसंधान केंद्र अमलाहा में स्थापित ये किस जिले में है? तो सीहोर में। 67वां मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली प्रथम किन्नर कौन है? संजना सिंह, ये ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किया है? मंडला। मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ऐसे प्रथम एशियाई तैराक हैं जिन्होंने कैटलिना चैनल पार किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल के पश्चात किस जिले में मदर्स मिल्क बैंक स्थापित की करेगी? इंदौर। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे हेरिटेज के निर्माण के लिए लीज पर दिया गया? भोपाल स्थित ताजमहल। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश? 11 सितंबर। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोजगार सहायक प्रीति परमार किस जिले से संबंधित है? मंडला। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? 9 अगस्त, डी ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय स्टैंड कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? जबलपुर में। कुंडलिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? काली सिंध। बस तो 2019 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही निम्नलिखित में से कौन है? भावना डहेरिया। अप्रैल 2019 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इंदौर के शिक्षाविद अवधेश दुबे को कौन सा अवार्ड दिया गया? मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड। देश की प्रथम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है मध्य प्रदेश के भोपाल। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित है? खरगोन में। मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन नियुक्त हुए? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान शुरू की है? इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकेडमी भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला डाटा सेंटर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंदौर। जोधेयाबाई वेगा की पेंटिंग्स किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कल्याणी योजना संबंधित है? विधवाओं के पुनर्विवाह से। हाल ही में मध्य देश में किन्नर बोर्ड गठित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महेश वर्मा जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से? सामाजिक। मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा लॉन्च की गई हम छू लेंगे आसमान योजना किससे संबंधित है? रोजगार से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस से खेल से जुड़े? शूटिंग से। हाल ही में कड़कनाथ मुर्गे को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले से किससे संबंधित है? याद रखिए झाबुआ। मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में? खरगोन। हाल ही में चर्चित कलस्पा नामक पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उज्जैन। देश का प्रथम भूगर्भ खनिज म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? याद रखिए ग्वालियर। मध्य प्रदेश में प्रथम इंडो तिब्बत पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कहां पर की जाएगी? दमोह में। विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? सागर। निम्नलिखित में से देश का पहला दिव्यांग पार्क स्थापना कहाँ की जा रही? होशंगाबाद। हाल ही में बाबूलाल गौर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिए मध्य प्रदेश के। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, तो हम लोगों ने देख लिए।